अस्सलाम वालेकुम मेरी YouTube फैमिली, आज हम आपको पेपर बी बनाना बताएंगे। ये देखें, जैसे कि हमने बनाई भी है, इसको हम मुख्तलिफ जगह पे अपने डेकोरेट करने के लिए लगा सकते हैं, दरवाज़ों पे, बच्चों की बुक पे छोटी साइज में बना के, और बच्चों के रूम में। तो इससे जो है बच्चे बहुत जल्दी जो है, और इस तरह के मुख्तलिफ चीज़ें जो है बना के बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए हम बना सकते हैं और उनको ये याद करा सकते हैं, इनके नाम वगैरह। इस तरह से बच्चे जो हैं वो जल्दी चीज़ों को कैच करते हैं। इस तरह की चीज़ें हम बहुत कम मटेरियल में बना सकते हैं, बहुत कम चीज़ों से बना सकते हैं। हमारे पास कुछ पेज हैं रंगीन, इसका इस्तेमाल करेंगे। आप अपनी पसंद से कोई भी कलर ले सकते हैं, ये मुख्तलिफ कलर हैं, हम इसमें से इस्तेमाल करेंगे। और इसके लिए हमें चाहिए ग्लू, धागा, पेन और सीज़र। पेपर कट कर लिया अपने इस पेपर में से, ये फोर ए का पेपर है, A4 पेपर है, इसको हमने कट कर हाफ ले लिया है। इसको इस तरह से करके ये हमने येलो कलर का लिया है। आप भी अपनी पैमाई अपने मर्ज़ी से इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। जब हम साइज़ छोटा करेंगे तो हम इसकी चौड़ान जो है वो कम कर देंगे, ताकि ये हमारी जो है बी जो है ये जो छोटी बने। अब हमने यहाँ पे ये एक पेपर ले लिया है, 4 इंच है इसकी चौड़ाई। देखें, हमने इसको फोल्ड कर लिया है पंखे की तरह से, इसकी फोल्डिंग कर ली। अब इसको हमने इसका दरमियान में निशान लगा के और इसको हम धागे से यहाँ पे बांध देंगे। धागे से बांध दिया है। अब हम इसको इस तरह से यहाँ पे ये दोनों कोने मिला के इसको आपस में ग्लू से पेस्ट कर देंगे। पर जो है वो ड्रॉ कर लेंगे और फिर उसकी कटिंग करके इस पर पेस्ट करते हैं। इस तरह से हम इसको जैसे लीफ बनाते हैं उस तरह से इसको आप ड्रॉ कर लीजिए डबल कागज़ करके। ये हमने डबल पे फोल्ड किया हुआ है। ड्रॉ कर लिया है, अब हम इसमें से इसको कट करके से या मार्कर से या किसी ब्लैक पेंसिल से आप इस पर हल्का सा इसको ड्रॉ कर लीजिए, इसका बॉर्डर लाइन बना लीजिए। Thank you.
ये देखें हमने दोनों इसके पर जो है उन पर ड्रॉ कर लिया है। ये हमने वाइट पेपर लेके इस पर आइस की जो है हमने आइस ड्रॉ कर ली है और ये मार्कर से ब्लैक मार्कर से इसको पे निशान डाल दिए। हम इसके ये एंटीने और इसकी जो ये बीच में जो लाइनिंग है ये बनाएंगे, लेकिन हम ब्लैक से ब्लैक पेपर से नहीं बना रहे बल्कि हम ये ग्लिटर शीट हमने ली है हम इससे बनाएंगे इसके एंटीने और इसकी ये लाइनिंग और ये नीचे की इसकी दो। देखें हमने बी की तमाम चीज़ें ड्रॉ करके काट ली हैं। अब हम इनको इस पर इस जो है हमने सर्किल बनाया इस पर पेस्ट करेंगे। ये देखिए हमारी बी जो है वो बनके तैयार हो गई है और कितनी अच्छी हसीन सी लग रही है, कितनी खूबसूरत लग रही है। इस तरह से आप बच्चों को जो है खुश कर सकते हैं इस तरह के आइटम बना के बच्चों को। और अब छुट्टी आने वाली है, इस तरह की एक्टिविटीज़ बच्चों से आप करा सकते हैं ताकि बच्चे अपने रूम को डेकोरेट कर सकें। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।